तो भाई इतने दिनों के बाद आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट बैटल रॉयल गेम लेंडर्स के बारे में और उनका इंडिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में भी। क्या ये टूर्नामेंट सच में हाइप के लायक है या बस एक और स्कैम है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। आप जा, आप काम करो, आप काम करो। देखो भाई, मैंने पहले भी कई सारे गेम्स टेस्ट किए हैं एंड लाख बुराइयों के बाद मैंने सोचा चलो कोई ना, सबके कहने से एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ इन 10 को। भाई कसम से बता रहा हूँ मैं, मुझे कभी अपनी लाइफ में इससे ज्यादा रिग्रेट नहीं हुआ कि काश मैं ये गू खेलने के बजाय स्नेक्स गेम ही खेल लेता अपने नोकिया 3310 पर। अरे वो वाला IT नहीं रे। अब कुछ लेंडर्स फैन बॉयज ट्रिगर ना हो जाएं, इसलिए मैं रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन इतना टट्टी है कि मेरे इन्फिनिक्स GT10 प्रो जिसमें 8GB रैम और डायमेंसिटी 8050 चिपसेट है, उस पे ऐसा गेम हग रहा है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि पावरफुल डिवाइस है मेरी, बट हाँ अच्छी खासी गेमिंग करा सकता है। जहाँ मुझे BGMI में 70-80 FPS मिल जाते हैं, यहाँ मुझे 40-45 FPS की लाते पड़ रही है। इंडस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फ्री फायर के डेवलपर्स को पैसा देकर सुपर गेमिंग ने एक दिन में गेम बनवाया हो। आई मेड फ्री फायर लाइट इन 24 आवर्स। ऑनेस्टली भाई, ये गू खेलने से अच्छा है मैं फारलाइट 84 खेल लूं। यार पता नहीं सब क्यों बोलते हैं इंडस कॉपी DM है, पर यार कॉपी करने के लिए भी तो एक्सपीरियंस और बुद्धि चाहिए होती है, जो कि हमारे इंडस ओची, मेरा मतलब रॉबी सर के पास भर भर के है। इंडस है हमारी मुंबई के चौल का एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। फर्क बस इतना है कि इंडस ने एक और फेल्ड इंडियन गेम रेडर 6 के ग्राफिक्स का फोटोकॉपी मारा। अब बात करते हैं 2.5 करोड़ के प्राइस पूल की। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम इतना बड़ा प्राइस पूल और फंडिंग के बाद भी ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं अब कुछ ऐसे गेम्स दिखाऊंगा जिनको इंडिविजुअल डेवलपर्स ने डेवलप किया है एंड वो भी बिना ज्यादा रिसोर्सेज के। पहला है रामायण गेम बाय NNT, अगर भाई नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस हो जाए तो माफ करना। दूसरा है प्रे बाय मेट्रिसेटो। अब काफी लोग बोलेंगे अबे ये तो PC गेम है, मोबाइल गेम बताना। आर्काइव स्टूडियो हो गया, आर्कॉन आर्ट्स हो गया, ये कुछ इंडियन स्टूडियोज हैं जिनके पास रिसोर्सेज उतनी नहीं है, बट फिर भी इंडस से तो अच्छे और फन गेम्स डिलीवर करते ही हैं मोबाइल के लिए। अगर और फन गेम्स खेलने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, मैं न्यू गेम्स बताता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जब हमारे इतने टैलेंटेड इंडियन डेवलपर्स सामने आ रहे हैं एंड हमको टॉप नॉच क्वालिटी गेम्स भी दे रहे हैं लाइक राजी कमला एंड इवन एक लीक आई थी जिसके हिसाब से रॉकस्टार इंडिया पूरे वाइस बीच को डेवलप कर रहा है GTA 6 के लिए, वहीं सुपर गेमिंग इंडस जैसा गू गेम बनाकर और ई-स्पोर्ट्स का लालच देकर इंडियन गेमिंग के स्टैंडर्ड्स को 10 साल पीछे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब भाई देखो, ये जो ज्यादा प्राइस पूल रखा गया है ना, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है इनकी, क्योंकि एवरीवन नोज इंडिया में अभी के टाइम ई-स्पोर्ट्स की कितनी ज्यादा हाइप है। और वैसे भी पहली ट्रिक तो इनकी फेल हो ही गई है, जहां ये इंडियन गेम का टैग लगाकर इंडस के अराउंड हाइप क्रिएट करना चाह रहे थे। नहीं यकीन हो रहा ना, तो सुनो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के ओनर रुशिंदर ने क्या कहा है। जब तक गेम अगर अच्छी है वो नहीं पता तो और कुछ कैसे करे, लाइक व्हाई वुड वी इन्वेस्ट जस्ट बिकॉज़ द ई-स्पोर्ट्स रोड मैप। ये 95 जॉब थोड़ी है कि बैठ के ग्राइंड करो, प्राइस मनी जीतो, लाइफ बनाओ, ये वो नहीं है। विल यू मेक टीम फॉर इंडस बैटल रॉयल फॉर 2.5 CR? ब्रो, पब्लिशर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्राइस मनी इज नॉट गोइंग टू एंटाइस ऑल ओनर्स हु हैव बर्नड अ लॉट ऑफ मनी ऑलरेडी। ब्रो, प्राइस मनी इज नॉट द ओनली रीजन टू गेट इनटू अ गेम। तो शायद तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि प्राइस पूल इतना बड़ा रखा है लेकिन अगर प्रोडक्ट ही फेल हो तो प्राइस का क्या करेगा बंदा। रजिस्टर नाउ। नोची बॉय, ऐसे कैसे इजीली रजिस्टर करोगे, इस बारी तो तेरी बाप दादाओं की जमीन लिखवा लूंगा अपने नाम, तभी पार्टिसिपेट करने दूंगा। हाँ, इन दिस गेम की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पक्का फौजी के डेवलपर्स एनकोर गेम्स ने बनाई होगी, क्योंकि एक टोपीबाज को दूसरा टोपीबाज ही समझ सकता है। और इस साल IGDC में कॉम्पिटिशन होगा KBC कौन बनाएगा चू, पता है Activision, Krafton और सुपर गेमिंग में क्या सिमिलैरिटी है, इन तीनों कंपनीज को गेम से या तुम्हारे गेमिंग एक्सपीरियंस से घंटा कोई मतलब नहीं है, बस स्किन्स RP से मतलब है। अब यकीन नहीं हो रहा तो बता देता हूँ, जब ग्रश टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था इंडस का, तब पता है रिक्वायरमेंट क्या थी इस टूर्नामेंट को खेलने की, तुमको RP खरीदना पड़ेगा पहले। रॉबी सर सच में रेवोल्यूशन ला रहे हैं भाई मोबाइल स्पोर्ट्स में थ्रू इंडस। फाइनली वॉरजोन मोबाइल का एक वर्दी अपोनेंट आ गया मार्केट में। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वी आर आल्सो इनवाइटिंग सम सीक्रेट इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट्स टीम्स फॉर द ग्रैंड फिनाले। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था। और ना ये लेंडास फैन बॉयज तो अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। इंडस विल डोमिनेट BGMI स्पोर्ट्स, मेरा इंडस तेरे BGMI और फ्री फायर से बेटर है। अबे मेरा BGMI और फ्री फायर उफा का लड़का है क्या मेरे वो? और ये बता साले, तेरा इंडस वहाँ बाप की छड्डी फटी पड़ी है और बेटा लगा है। भाई ये इंडस बैटल रॉयल कब आएगा? ये गेम ना इंडिया का फर्स्ट AAA गेम है साले, एक रैप्टा मारूंगा ना 4 दिन तक
ट्रिपल ए हक्ता फिरेगा। आज तक कभी इंटरेस्ट लिया आरडीआर 2 या घोस्ट ऑफ सुशीमा जैसे गेम्स में? कभी ट्राई किया कि सिमिलर गेम्स पीसी या मोबाइल फोन्स पर खेलूं? इंडस का प्रमोशन करूंगा, इंडस की सरोजनी वाली शर्ट लेकर कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। भाई मैं लिख कर दे सकता हूं, इस गेम की हाइप सिर्फ लॉन्च के 1 से 2 महीने तक रहेगी। उसके बाद जो जिस गेम को छोड़कर इंडस ट्राई करने आए थे वो वापस उन्हीं गेम्स में चले जाएंगे। इसलिए अगर सुपर गेमिंग को सच में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाना है तो प्रोडक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ प्राइस पूल और हाइप पे नहीं। इतने टैलेंटेड डेवलपर्स होने के बावजूद अगर हम इंडस जैसे गेम से इंप्रेस हो रहे हैं तो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री कभी ग्रो नहीं करेगी। अब तुम ही बताओ, क्या तुम इंडस के ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले हो या फिर कोई और ऑप्शन देखोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना मत भूलना एंड थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो। जल्दी से 5K सब्सक्राइबर्स साथ में पूरे करते हैं, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो फॉर मोर सच कॉन्टेंट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।